दोस्तों, अगर आप अमेज़न से ऑनलाइन शॉपिंग करना चाहते हैं तो सावधान हो जाइए, अमेज़न आपको चूना लगा सकती है। हमने 1,40,000 देकर कैमरा ऑर्डर किया था, लेकिन अमेज़न ने हमें ये फटे हुए जूते और पत्थर भेज दिए। इन्वेस्टिगेशन के नाम पर रिफंड भी अटका रखा है, इसलिए आप भी सावधान हो जाइए। पिछले कुछ दिनों से बीएसपी सुप्रीमो मायावती यूपी की योगी सरकार को लेकर हमलावर हैं। खासकर यूपी में बदहाल कानून व्यवस्था और दलितों पर हो रहे अत्याचारों को लेकर वो लगातार योगी सरकार को घेर रही हैं। लेकिन मायावती के इस आक्रामक रुख के जवाब में बीजेपी सरकार ने उन पर कार्रवाई का मन बना लिया है। दरअसल योगी सरकार ने मायावती के खिलाफ सीएजी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करने का आदेश दिया है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि तत्कालीन बीएसपी सरकार ने गाजियाबाद में एग्रीकल्चरल जमीन का लैंड यूज बदलकर उसे रेजिडेंशियल लैंड बना दिया था। सीएजी की रिपोर्ट के मुताबिक इस पूरी प्रक्रिया में लैंड यूज बदलने के लिए जो कन्वर्जन चार्ज लेना चाहिए था वो भी नहीं लिया गया। नवजीवन अखबार के मुताबिक सरकार ने कहा है कि तत्कालीन बीएसपी सरकार के इस फैसले से गाजियाबाद विकास प्राधिकरण को कुल 572.48 करोड़ रुपए का आर्थिक नुकसान हुआ और दिल्ली मास्टर प्लान 2021 को नजरअंदाज करते हुए जानबूझकर कुछ डेवलपर्स को फायदा पहुंचाया गया। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि जीडीए ने दिल्ली मास्टर प्लान 2021 में 4,772 एकड़ जमीन के लिए प्रॉपर्टी डेवलपर्स के लेआउट प्लान्स को मंजूरी दी थी। इसमें से हाईटेक टाउनशिप के रूप में 3,702 एकड़ जमीन चिन्हित की गई थी। सीजी रिपोर्ट में दावा किया गया है कि नियमों के खिलाफ जाकर एग्रीकल्चरल भूमि को उपल चड्डा हाईटेक डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड और सन सिटी हाईटेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड को आवंटित कर दिया गया। इस दौरान जमीन का लैंड यूज बदला गया, लेकिन डेवलपर से कोई कन्वर्जन चार्ज नहीं लिया गया। सीएजी ने कहा कि तत्कालीन यूपी सरकार ने 23 अप्रैल 2010 को एक ऑर्डर जारी किया था, जिसके बाद से आर्थिक गड़बड़ियां हुई हैं। योगी सरकार ने इसी रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई का आदेश दिया है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि सीएजी की रिपोर्ट को आए काफी वक्त हो गया, अब तक योगी सरकार ने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया था। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या लॉ एंड ऑर्डर पर बुरी तरह फेल हो चुकी योगी सरकार मायावती के आक्रामक रुख के खिलाफ बदले की कार्रवाई कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र। साथियों, अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करने वाले नेशनल बहुजन मीडिया को स्थापित करने में द शूद्र की आर्थिक मदद करें। आप सीधे हमारे अकाउंट नंबर में मदद भेज सकते हैं। बेनिफिशरी नेम है द शूद्र, अकाउंट नंबर है 2233009468935। IFSC कोड है RATN0VAAPIS। ध्यान दीजिए, IFSC कोड में RATN के बाद जीरो है, ओ नहीं। बैंक का नाम है RBL और ब्रांच है मुंबई। आप हमें 8595794224@ पेटीएम पर UPI के जरिए भी अमाउंट ट्रांसफर कर सकते हैं। पेटीएम, गूगल पे और फोन पे के लिए हमारा एक ही नंबर है 8595794224। जय भीम, जय भारत।